सावन का महीना शुरू होते ही कांवड़ यात्रा शुरू हो गई है। कांवड़ यात्रा एक प्रमुख हिंदू तीर्थ यात्रा है जिसमें शिव भक्त पवित्र नदियों का जल लेकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं। अब इस यात्रा के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। सावन का महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। इस महीने में शिव भक्त भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कांवड़ यात्रा निकालते हैं और पवित्र नदी का जल लेकर कठिन व्रत का पालन करते हुए शिवलिंग पर अर्पित करते हैं। मान्यता है कि इससे भक्त की मनोकामना पूरी होती है। किंवदंतियों के अनुसार भगवान परशुराम पहले कांवड़िए थे जिन्होंने गढ़मुक्तेश्वर से गंगा का जल लेकर बागपत जिले के पूरा महादेव में भगवान शिव का अभिषेक किया था। एक अन्य मान्यता के अनुसार रावण ने समुद्र मंथन के बाद शिव जी को जल अर्पित किया था जिससे ये परंपरा शुरू हुई। कांवड़ यात्रा के नियम भी कठोर है। कांवड़ियों को संयम और ब्रह्मचारी का जीवन जीना होता है। गंगा जल भरने से लेकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने तक नंगे पैर यात्रा करनी होती है। यात्रा के दौरान नशा और मांसाहार से दूर रहना चाहिए। अपशब्द बोलने और अशुद्धता से बचना चाहिए। अगर कांवड़ यात्रा में जल चढ़ाने के लिए प्रमुख मंदिरों की बात करें तो मेरठ का ओगड़नाथ, वाराणसी का काशी विश्वनाथ, झारखंड का वैद्यनाथ और बंगाल का तारकनाथ मंदिर प्रमुख है जहां कांवड़िए जल चढ़ाते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग हरिद्वार से जल लेकर पूरा महादेव और आसपास के शिवालयों में जल चढ़ाते हैं। इस प्रकार कांवड़ यात्रा भगवान शिव की भक्ति का एक महत्वपूर्ण और पवित्र रूप है जिसमें श्रद्धालु कठिन नियमों का पालन करते हुए शिव जी को प्रसन्न करते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। कांवड़ यात्रा से जुड़े और भी अपडेट के लिए नेशन मिरर को फॉलो और सब्सक्राइब करें।